हमारी मैथ की क्लास स्टार्ट हो चुकी है भाई। एक बार सभी बच्चे फटाफट जुड़ें। मैथ क्लास स्टार्ट हो चुकी है। सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। तो हमारी जो एक्सरसाइज चल रही थी वो 7.4 चल रही थी, ठीक है, 7.4 चल रही थी। लिंक मैंने ग्रुप में सेंड कर दी एक बार, सभी बच्चे फटाफट जुड़े भाई। मैं स्टार्ट कर रहा हूं भाई, देखो। देखो भाई, आरती, अमन कुमार शर्मा, हैप्पी, हेमंत, कीर्ति, बाकी बच्चे भी जुड़ जाओ फटाफट। चलो भाई देखो, तो क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 के दो पार्ट हैं भाई, बाकी बहुत सारे आ गए हैं भाई, अभय, सौरभ, चंचल, अंकित, राहुल। देखो ध्यान से देखना भाई, क्वेश्चन नंबर 4 के दो पार्ट हैं भाई, एक पार्ट ए है और दूसरा पार्ट है बी। जो पार्ट ए है वो मैं फिलहाल नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि वो थोड़ा लेंथी सवाल है और एक घंटा उसी क्वेश्चन में लग जाएगा भाई, ठीक है। तो वो हम ऑफलाइन क्लास में उसको सोल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो ए पार्ट है उसके ऊपर आप निशान लगा लो, ताकि हमें ये पता रहे कि कौन सा क्वेश्चन हमने नहीं करवाया है, ठीक है। देखो भाई, एक्स इज इक्वल टू ए कोस टी प्लस लोग टेन टी बाई टू और y इज इक्वल टू दे रखा है a साइन t। हमसे कहा गया है कि हमें dy अपॉन dx की वैल्यू हमें निकालनी है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है भाई। तो देखो, यदि आपको दो समीकरण दी जाए तो dy अपॉन dx का मान कैसे निकालते हैं ये हम कल आपको बता चुके हैं। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है भाई, यानी ये हमारी पहली समीकरण है। तो ये हमारी कौन सी समीकरण है? ये हमारी दूसरी समीकरण है। चलो अब हमें इसका अवकलन करना है, यानी इसका डिफरेंशियल करना है। तो हम किसकी रेस्पेक्ट में करें भाई, किसकी रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा? देखो यहाँ t है, इधर t है, इसके अंदर भी t है, मतलब ये हुआ कि हमें t के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल करना पड़ेगा, यानी अवकलन करना पड़ेगा। तो मैं यहां लिख देता हूं, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे। तो मेरे को बताओ, x का जब t के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या आ जाएगा? डी एक्स अपॉन में डी टी, ठीक है भाई। ए कॉन्स्टेंट है यानी अचर है, तो अचर को हमें छोड़ना पड़ेगा। मोहित, तेजपाल, सचिन, प्रवीण, वनीता, गुड मॉर्निंग, मनीषा यादव, होशियार, गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। देखो तो ए को मैंने छोड़ दिया भाई, क्योंकि कांस्टेंट है और कांस्टेंट के बाद कोई फंक्शन दिया गया है। अब हमारा जो फंक्शन होगा वो टी वाला फंक्शन होगा। जब हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो जो हमारा फंक्शन होता है वो एक्स वाला फंक्शन कहलाता है। जब हम टी के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो
तो टी वाला पद है वही हमारा फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो देखो ए, ए को मैंने छोड़ दिया भाई क्योंकि कॉन्स्टेंट है। कोस टी देखो सी ओ आ गया, जब सी ओ आ गया तो मेरे को माइनस तो लगाना ही पड़ेगा, यानी माइनस कोस का क्या हो गया साइन टी, कोस टी का हो गया माइनस साइन टी। बीच में प्लस है भाई, ये लो बीच में प्लस लगा दिया मैंने। उसके बाद देखो यहाँ पे है लोग, सबसे पहले लोग का होगा, फिर टेन का होगा और फिर टी बाई टू का होगा। काफ़ी विद्यार्थी इसको गुणा में सोच लेते हैं, ये लोग और ये टेन टी बाई टू ये अलग नहीं है, ये एक ही है भाई। कभी u इंटू वी का आप फॉर्मूला लगा दो भाई। ठीक है, तो देखो लोग, लोग का करें तो वन अपॉन टी, और वन अपॉन टी का मतलब क्या है टेन टी बाई टू, यानी टेन टी बाई टू, ये तो हो गया लोग का। लोग का हो गया तो अब मेरे को टेन का करना पड़ेगा, टेन का क्या हो गया, टेन का हो गया सेक स्क्वायर, टेन का हो गया सेक स्क्वायर, इसका एंगल क्या है टी बाई टू, तो ये लो मैंने टी बाई टू लिख दिया। मैंने लोग का किया मेरे पास ये आ गया, मैंने टेन का किया मेरे पास ये आ गया, अब मेरे को टी बाई टू का भी करना पड़ेगा भाई। टी बाई टू यानी वन बाई टू कॉन्स्टेंट है, हमें छोड़ना पड़ेगा, और जब टी का टी के सापेक्ष करोगे तो ये हमने इसका डिफरेंशियल कर दिया यानी अवकलन कर दिया है। उसके बाद देख लेते हैं थोड़ा गणा और सॉल्व कर लेते हैं, तो डी एक्स अपॉन में डी टी इज इक्वल टू ए, फिर ब्रैकेट लगा दिया मैंने, फिर है माइनस साइन टी, माइनस साइन टी, फिर प्लस। यहाँ ध्यान देना, ये जो 1 बाई टू है ना भाई, कॉन्स्टेंट है, 1 बाई टू को मैंने यहाँ लिख दिया। अब मेरे को बताओ यहाँ जो टेन टी बाई टू है, क्या इसको मैं साइन टी बाई टू अपॉन कोस टी बाई टू लिख सकता हूँ भाई, क्योंकि टेन किसके इक्वल होता है साइन अपॉन कोस के इक्वल होता है भाई। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, कोस टी बाई टू अपॉन में साइन टी बाई टू। किसी को डाउट है तो कोई पूछ सकता है भाई, भाई टेन होता है साइन अपॉन कोस, देखो मैन अपॉन ये है, कोस नीचे आएगा तो कोस ऊपर चला जाएगा ना भाई, तो मैंने कोस टी बाई टू अपॉन में साइन टी बाई टू। अच्छा मेरे को बताओ सेक स्क्वायर है, सेक को मैं वन अपॉन कोस लिख सकता हूँ भाई, जब वन अपॉन कोस लिखोगे तो वन अपॉन स्क्वायर है, तो कोस स्क्वायर टी बाई टू आ जाएगा भाई, ये मैंने ब्रैकेट लगा दिया भाई। अब देख कोस टी बाई टू से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आगे देखते हैं क्या आ जाएगा, आगे आ गया डी एक्स अपॉन में डी टी इज इक्वल टू ए, फिर मैंने ब्रैकेट लगा दिया, माइनस साइन टी है, माइनस साइन टी रहने दो भाई, फिर प्लस। ऊपर देखो ऊपर आपके पास वन है भाई, नीचे बता सकते हो क्या आएगा, टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, किसका फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है भाई। ठीक है भाई, ये टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा किसका फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है, यानी साइन उसके बाद टू इंटू थीटा, यहाँ थीटा की वैल्यू क्या है टी बाई टू है, तो यहाँ मैंने लिख दिया टी बाई टू, ये टू से टू कैंसिल हो गया भाई। इसके अलावा यदि और उसको सोल्व करना चाहें तो डी एक्स अपॉन में डी टी इज इक्वल टू ए, मेरे को बताओ भाई इसका और इसका एल्शियम आपको साइन टी दिखाई दे रहा है भाई, क्या आएगा इनका एल्शियम साइन टी एल्शियम आ जाएगा भाई, ये लो भाई इनका एल्शियम आ गया साइन टी, तो इस साइन टी का मल्टीप्लाई इससे होगा और ये एक तो प्लस का ही रहेगा, यानी वन प्लस का है, और ये किसका हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर टी। नहीं आया समझ में भाई, हमें इन दोनों का एल्शियम लेना था, एल्शियम हमारे पास क्या आया साइन टी, तो मैंने साइन टी लिख दिया।
इस साइन टी का मल्टीप्लाई इस साइन टी से होगा, तो माइनस साइन स्क्वायर टी, ये देखो ये लिख रखा मैंने माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस, इसके आगे कुछ नहीं है तो मतलब प्लस वन, तो वन यानी प्लस की संख्या को आगे लिख दिया, माइनस की संख्या को पीछे लिख दिया, ऐसा मैं लिख सकता हूं भाई। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं क्या आया। आगे देखो भाई, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कोस स्क्वायर टी के इक्वल होता है भाई। किसके इक्वल होता है? कोस स्क्वायर टी के इक्वल होता है, यानी कोस स्क्वायर टी अपॉन, अपॉन में क्या आ जाएगा? अपॉन में आ जाएगा साइन टी। ये हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई भाई। कौन सी हो गई? इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई भाई। प्रवीण कुमार भाई टाइम से चलाकर थोड़ा लेट आया है ना, तो टाइम पे आ जाया करो भाई। चलो कोई दिक्कत नहीं है, देखो आगे देखो भाई। अच्छा थर्ड हो गया, ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई है भाई। एक बार मैं फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। इसके अंदर t है तो हमें t के रेस्पेक्ट में यानी t के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। x का हो गया dx अपॉन dt इज इक्वल टू, a कांस्टेंट है मैंने छोड़ दिया है, cos t का हो गया माइनस साइन t, पहले log का तो 1 अपॉन जो भी है tan था तो tan, फिर tan का हो गया, फिर t बाई टू का हो गया। अब हमने क्या किया है कि tan की जगह तो sin अपॉन cos लिखा है और sec की जगह 1 अपॉन cos लिखा था, तो हमारे पास ये आ गया। जब इन दोनों का एलसीएम लोगे तो sin t एलसीएम आ जाएगा, इस sin t का एलसीएम इससे गुणा होगा तो माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1, तो प्लस 1 मैंने आगे लिख दिया अपॉन sin t। और हमें पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर t है वो cos स्क्वायर t के इक्वल होता है भाई, पता होता है कि नहीं होता है? संकेत कुमार भी लेट चल रहा है भाई। कोस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई है। अब देखो इसका भी हमें टी के रेस्पेक्ट में यानी टी के सापेक्ष हमें इसका अवकलन करना पड़ेगा। तो देखो भाई वाई का क्या हो जाएगा? वाई का हो गया डी वाई अपॉन में डी टी इज इक्वल टू, एक कॉन्स्टेंट है यानी अचर है, अचर को मेरे को छोड़ना पड़ेगा यानी ए, उसके बाद साइन टी, और साइन टी का क्या हो गया? अंकित कह रहा है कि सर क्वेश्चन नंबर 3 में आगे ए आएगा। क्वेश्चन 3 तो हम करवा ही नहीं रहे भाई, आज तो हम क्वेश्चन नंबर 4 करवा रहे हैं। अच्छा इसकी बात कर रहे हो, ये इक्वेशन थर्ड, ठीक बात है। देखो यहाँ पे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कोस स्क्वायर टी साइन टी, तो ए तो बाहर है ही, तो ये ए तो रहेगा ही रहेगा भाई। वेरी गुड, इसका मतलब आप ढंग से पढ़ रहे हो, है ना? चलो ए तो रहेगा भाई, ये कॉन्स्टेंट है तो। देखो ए, उसके बाद साइन टी, साइन टी का बताओ क्या हो गया? साइन टी का हो गया कोस टी हो गया भाई, ठीक है। उसके बाद ये हमारी इक्वेशन हो गई फोर्थ। हमें निकालना था डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स है वो तो ऊपर, यानी डी वाई ऊपर होना चाहिए और डी एक्स कहाँ होना चाहिए? नीचे होना चाहिए भाई। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? जो हमारी इक्वेशन फोर्थ है उसमें भाग देना पड़ेगा भाई। किसका भाग देना पड़ेगा? इक्वेशन थर्ड का भाग देना पड़ेगा भाई। जो हमारी इक्वेशन फोर्थ है उसमें भाग देना पड़ेगा इक्वेशन थर्ड का। जैसे ही आप भाग दोगे तो देखो इक्वेशन फोर्थ आपके पास क्या है? इक्वेशन फोर्थ यही तो है, तो देखो ऊपर तो आएगा डी वाई अपॉन में डी टी अपॉन में, इधर से क्या आएगा? इधर से आएगा डी एक्स अपॉन में डी टी, यहां लिख दिया डी एक्स अपॉन में डी टी इज इक्वल टू। इक्वेशन फोर्थ की यदि बात करें तो यहाँ है a cos t, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है a cos t अपॉन में, देखते हैं अपॉन में आएगा a cos स्क्वायर t, और अपॉन में मेरे को लिखना पड़ेगा
अपॉन में आएगा साइन टी। अब ध्यान से देखना भाई, अब ध्यान से देखना कि मैन अपॉन हमारा ये है, और मैन अपॉन के नीचे यदि दो संख्या है यानी कोई भी दो फंक्शन है, तो जो ये नीचे का है ये तो ऊपर जाएगा और ये यहीं पे रहेगा भाई। डी टी से ये डी टी कैंसिल हो गया, यानी इधर हमारे पास आ गया डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू ए कोस टी है, ये लो भाई ए कोस टी, और इसके साथ क्या जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा भाई। जब ये ऊपर जाएगा तो इंटो साइन टी अपॉन में क्या आएगा भाई, अपॉन में आएगा ए कोस स्क्वायर टी। ए से ए कैंसिल हो गया भाई, कोस टी से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यानी जो हमारे पास आंसर आएगा वो आंसर हमारा क्या आया, डी एक्स अपॉन डी डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू साइन टी अपॉन में कोस टी, और साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन होता है भाई, यानी टेन टी, और यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, एक बार फटाफट बताओ ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अरे ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें भाई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत सारों ने लिखा है यस सर। चलो तो भाई अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, इसके भी दो पार्ट हैं, तो एक पार्ट करते हैं फिर उसके बाद दूसरा पार्ट करेंगे। इसको मैं मिटा रहा हूँ, चलो देखो क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका फर्स्ट पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 और इसका फर्स्ट पार्ट है x इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा और इसका अंडर रूट है भाई, ठीक है। और उसके बाद y इज इक्वल टू कोस 2 थीटा, y इज इक्वल टू कोस 2 थीटा और इसका अंडर रूट दिया गया है। हमें फिर से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है यानी निकालनी है भाई। तो देखो यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर हमें थीटा के सापेक्ष अवकलन करने की आवश्यकता पड़ेगी भाई। तो देखो यहाँ लिख देते हैं हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी हम थीटा के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं भाई। जब हम थीटा के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो देखो x का थीटा के सापेक्ष जब अवकलन करोगे तो क्या आएगा, डी एक्स अपॉन डी थीटा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है भाई, ठीक है भाई। जब हम x का थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी थीटा आ जाएगा इज इक्वल टू, सबसे पहले किसका होगा, अंडर रूट का होगा, उसके बाद किसका होगा, उसके बाद होगा साइन का, और उसके बाद क्या होगा, टू थीटा का भाई। ये जो टेक्निकल ब्रो है इसने मैसेज डिलीट कर दिया, क्या लिखा था बता नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई इसका हो गया डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, एक तो अंडर रूट का करोगे तो अंडर रूट का क्या होगा, एक बटे दो, एक बटे दो जैसा है वैसा लिख दो भाई। अंडर रूट के अंदर क्या है हमें ये सोचना ही नहीं है, जैसा है अब तो वैसा लिख दो, यानी अंडर रूट साइन टू थीटा है तो साइन टू थीटा भाई। ये तो हुआ है अंडर रूट का, उसके बाद किसका करना पड़ेगा, साइन का भाई। और साइन का क्या होता है, साइन का होता है कोस
एंगल 2 थीटा है तो ये लो भाई 2 थीटा। ये तो था अंडर रूट का भाई, और ये है साइन का। अब 2 थीटा का भी तो करना पड़ेगा, यानी 2 को तो हमें छोड़ना पड़ेगा भाई, क्यों? क्योंकि अचर है, और थीटा का थीटा के सापेक्ष करोगे तो 1 आएगा, वो लिखने की आवश्यकता है नहीं भाई। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास dx अपॉन d थीटा इज इक्वल टू, ऊपर हमारे पास है cos 2 थीटा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में अंडर रूट साइन 2 थीटा। ठीक है भाई, ये हमारी इक्वेशन थर्ड आ गई है। अब हम बात कर लेते हैं इक्वेशन सेकंड की, हमें इसका भी थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है। तो देखो क्या आएगा, वाई का क्या हो गया, वाई का हो गया डी वाई अपॉन डी थीटा, थीटा के सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं भाई। पहले अंडर रूट का होगा, फिर कोस का होगा, फिर होगा टू थीटा का होगा भाई। तो पहले अंडर रूट का करो, अंडर रूट का क्या होगा, एक बटे दो, क्या आएगा भाई, एक बटे दो, जैसा है वैसा लिख दो भाई, यानी अंडर रूट उसके बाद कोस टू थीटा। ठीक है भाई, चलो ये तो हो गया अंडर रूट का हो गया भाई। अब करोगे कोस टू थीटा का, तो देखो इसके अंदर सीओ आ गया भाई, जब सीओ आ गया तो हमें माइनस लगाने की आवश्यकता है, तो मैं माइनस यहां लगा देता हूं, ये मैंने माइनस लगा दिया है। कोस का हो गया साइन, ये लो भाई साइन, एंगल 2 थीटा है 2 थीटा लिख दो भाई। ये तो था अंडर रूट का, कोस का था माइनस साइन, थीटा जो है वो मैंने लिख दिया है। अब भाई एंगल का भी तो करना पड़ेगा, एंगल है 2 थीटा, 2 थीटा का करोगे तो 2 कांस्टेंट है, छोड़ना पड़ेगा, और थीटा का थीटा के सापेक्ष क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। 2 से 2 कैंसिल हो गया भाई। ठीक है, तो हमारे पास डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, एक तो नेगेटिव है, ऊपर हमारे पास है साइन 2 थीटा, और अपॉन में है कोस 2 थीटा, और इसका अंडर रूट है। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो गई, ये हमारी इक्वेशन हो गई 4, इक्वेशन नंबर 4। हमें dy अपॉन d थीटा नहीं निकालना था, हमें dy अपॉन dx निकालना था। तो dy ऊपर होना चाहिए, dx नीचे होना चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे कि जो इक्वेशन फोर्थ है यानी समीकरण 4 है, उसको डिवाइड करना पड़ेगा, किससे करना पड़ेगा, इक्वेशन थर्ड से यानी समीकरण 3 से करना पड़ेगा। चलो भाई अपॉन में यहाँ लिख दो, चाहिए डैश लगा दो, बात एक ही है ये। ठीक है, यानी dx अपॉन में d थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास आएगा साइन माइनस साइन 2 थीटा अपॉन में अंडर रूट कोस 2 थीटा। देखो बराबर है ना, जो मेन अपॉन होता है उसके इक्वल में होना चाहिए, ये थोड़ा सा नीचे होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ से आ गया कोस 2 थीटा और अपॉन में अंडर रूट साइन 2 थीटा। ठीक है, देखो ये ऊपर आ गया, यहाँ से ये नीचे आ गया। अब मेन अपॉन आपका ये है, जो मेन अपॉन आपका ये है, तो ये तो जाएगा ऊपर जाएगा भाई, और ये कहाँ आएगा, ये आएगा नीचे आएगा भाई, आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका मतलब डी थीटा से डी थीटा तो कैंसिल हो गया, यानी हमारे पास जो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा भाई, ध्यान देना, आपके पास साइन 2 थीटा पहले से है। ठीक है, और जब ये ऊपर जाएगा तो साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा इसका अंडर रूट, समझना भाई इस बात को, मेरे को बताओ, इसकी पावर तो है 1, और अंडर रूट का मतलब पावर क्या है, 1/2, और दोनों गुणा में है, तो गुणा में घात जुड़ती है या पावर ऐड होती है, यानी मैं कह सकता हूँ कि सर साइन 1 + 1/2 करोगे तो 3/2 × 2 थीटा आ जाएगा, ये इसका है।
मतलब ऐसा आएगा कि नहीं आएगा भाई? ये तो हमने पहले भी पढ़ रखा है भाई। यानी क्या आया हमारे पास? हमारे पास आ गया साइन 3/2 इंटू 2θ, ये इसका एंगल है अपॉन में, ये इसके साथ आएगा तो सेम कंडीशन बनेगी भाई, कोस 2θ का अंडर रूट और कोस 2θ, इसकी पावर एक है और इसकी पावर 1/2 और गुणा में घात जुड़ जाएंगे। यानी यहाँ लिख सकता हूँ मैं कोस 3/2 इंटू 2θ इसका एंगल। देखो इसकी पावर भी 3/2, इसकी पावर भी 3/2, और साइन अपॉन कोस आपको पता ही है टेन होता है भाई, क्या होता है टेन 2θ और इसकी पावर 3/2, यही आपका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। एक बार फटाफट बताओ क्या ये समझ में आ गया? ये माइनस रह गया। बहुत ज्यादा ध्यान दे रखा है आज तो भाई। चलो बहुत अच्छी बात है कि आप ध्यान दे रहे हो, प्लस माइनस का आपका विशेष ध्यान है आज, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करूं भाई। चलो इससे क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर जो 5 है अब उसका सेकंड पार्ट करते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका सेकंड पार्ट देखो क्या है, a cos क्यूब टी, यानी x इज इक्वल टू आपको दिया गया है a फिर cos क्यूब टी, ठीक है, और y इज इक्वल टू दे रखा है y इज इक्वल टू a sin क्यूब टी, बिल्कुल इजी है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। फिर से हमें dy अपॉन dx निकालना है, और यदि आपको दो इक्वेशन दी जाए, दो समीकरण दी जाए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि जो फंक्शन है वो किस में है, t के अंदर है, थीटा के अंदर है, किसके अंदर है भाई? तो देखो ये यहाँ पर भी t है, यहाँ पर भी क्या है t है, यानी मैं कह सकता हूँ कि सर हमें यहाँ t के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। मैंने यहाँ लिख देता हूँ मैं t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी t के सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं भाई, t के सापेक्ष क्या कर रहे हैं हम अवकलन कर रहे हैं। तो देखो भाई टी के सापेक्ष क्या हो जाएगा, पहले तो इसका बताओ, एक्स का टी के सापेक्ष करोगे तो डी एक्स अपॉन डी टी आ जाएगा, एक्स का टी की रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल डी एक्स अपॉन डी टी होगा, ठीक है, इज इक्वल टू, ए कॉन्स्टेंट है भाई, कॉन्स्टेंट को मेरे को छोड़ना पड़ेगा, कॉन्स्टेंट को मेरे को छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद क्यूब का होगा, देखो आपको तो देख लेना है पहले क्वेश्चन में कि हमें अवकलन करना कैसे है, पहले क्यूब का होगा, फिर कोस का होगा, फिर टी का करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि टी का टी के सापेक्ष वन होगा, यानी पहले क्यूब का फिर कोस का। तो देखो क्यूब का तो बिल्कुल सिंपल है, जो पावर है उसको आगे ले आओ, ये लो भाई जहां पावर लिख रखी है वहां एक कम कर दो, एक कम यानी 2। अब नीचे जो है कोस है तो कोस लिख दो, यानी कोस स्क्वायर टी हो गया, पावर को आगे ले आओ, एक पावर कम कर दो, बस यही है पावर का डिफरेंशियल करना, हो गया पावर का हो गया। अब कोस का सीओ आ गया भाई, सीओ आ गया तो मेरे को माइनस लगाने की आवश्यकता है, तो मैंने माइनस लगा दिया है, सीओ का क्या होगा साइन
भाई कोस का हो गया साइन टी। फिर एंगल का करोगे टी, टी का टी के रेस्पेक्ट में करोगे तो वन आएगा, वो लिखने की आवश्यकता है नहीं। यानी हमारे पास जो डी एक्स अपॉन डी टी है, डी एक्स अपॉन डी टी क्या आया, माइनस थ्री ए कोस स्क्वायर टी इंटू साइन टी। ये हमारी इक्वेशन कौन सी हो गई, ये हमारी इक्वेशन थर्ड हो गई भाई। इसकी बात कर लेते हैं भाई, इसका भी टी के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशियल करना है, अवकलन करना है, तो वाई का टी के सापेक्ष करोगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन में डी टी इज इक्वल टू, ए कॉन्स्टेंट है, अचर है, मेरे को छोड़ना पड़ेगा भाई। उसके बाद क्यूब का करोगे, क्यूब का देखो पावर को आगे ले आओ, यानी थ्री, एक पावर कम कर दो, यानी थ्री साइन स्क्वायर टी। पावर को आगे ले आए, एक पावर कम कर दिया, साइन टी था, साइन टी लिख दिया मैंने, ये तो हो गया पावर का। अब साइन का करोगे तो साइन का क्या होता है भाई, साइन का होता है कोस, तो हो गया कोस टी हो गया। टी का टी के सापेक्ष वन होगा, वो लिखने की आवश्यकता है नहीं भाई, ठीक है। तो देखो हमारे पास जो डी वाई अपॉन डी टी है वो आ गया 3a, यानी आगे लिख देता हूँ 3a साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी, ये हमारी इक्वेशन नंबर फोर्थ हो गई है, ठीक है। चलो अब क्या करना पड़ेगा, हमें डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए तो डी वाई ऊपर रखना है, यानी समीकरण चार में भाग देना पड़ेगा समीकरण तीन का। तो समीकरण चार, समीकरण चार डिवाइडेड बाय इक्वेशन थर्ड, समीकरण चार में समीकरण तीन का भाग देने पर तो क्या आएगा, तो हमारे पास आएगा डी वाई अपॉन में डी टी। इधर से डी वाई अपॉन डी टी, इधर से क्या आ जाएगा अपॉन में डी एक्स अपॉन में डी टी, तो डी एक्स अपॉन में डी टी इज इक्वल टू, इधर से हमारे पास 3a, 3a साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी। अच्छा अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में हमारे पास आ जाएगा माइनस, देखो माइनस मैंने पहले ही लगा दिया भाई, माइनस 3a, 3a कोस स्क्वायर टी साइन टी, ठीक है। देखो 3a से इस 3a को मैं कैंसिल कर सकता हूँ। उसके बाद बात करें तो साइन है, साइन टी यहाँ स्क्वायर है तो ये कैंसिल हो जाएगा, इधर है कोस टी तो ये स्क्वायर होते हट जाएगा भाई, हटेगा कि नहीं हटेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो माइनस है, डी टी से डी टी कैंसिल हो गया, यानी हमारे पास जो आया वो डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू, देखो एक तो माइनस है भाई, ये लो माइनस लगा दिया, ऊपर आपके पास से साइन टी बचा है और नीचे आपके पास कोस टी बचा है, और साइन अपॉन कोस क्या होता है, साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन टी होता है, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक बार फटाफट बताओ क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया, चलो भाई अगला क्वेश्चन कराएं। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, ये इंद्रजीत कह रहा है सर पावर नहीं लिखी, कहां पे नहीं लिखी मेरे भाई,
यहाँ पे भी पावर लिख रखी है, यहाँ पे भी पावर लिख रखी है, इनमें भी पावर लिख रखी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 6। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या आएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है भैया। इस एक्सरसाइज का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, तो इसको विशेष ध्यान देना इस पर। ये है यदि, एक बार मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। क्वेश्चन है यदि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू, यदि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 1 + 1/t, t - 1/t है भैया, t - 1/t, ठीक है। फिर है x की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 इज इक्वल टू t² + 1/t², यानी t² फिर प्लस 1/t², ठीक है भाई। करें स्टार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, अच्छे से सीखना है आपको। समझना, देखो तरीके बहुत सारे हैं भाई, मैं आपको बिल्कुल इजी तरीका बता रहा हूं और फिर ये भी बताऊंगा कि ये ऐसा होता क्यों है। देखो ध्यान से समझना, यहां पे यदि बात करें तो एक्स क्यूब, यहां वाई क्यूब है, t - 1/t, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है भाई। एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 t² + 1/t², ये हमारी इक्वेशन सेकेंड है, एग्जाम में पहले आ चुका है भाई। देखो अगर हम इसकी बात करें तो इसका ये स्क्वायर दिखाई दे रहा है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है लेकिन इतना पता है कि यहाँ क्यूब है तो यहाँ पावर 6 हो गई, यानी डबल हो गई, स्क्वायर हो गया। यहाँ पावर 3 है तो यहाँ पे डबल हो गई भाई। तो ऐसा करना है कि यहाँ, अगर ऐसा तो कर नहीं सकते भाई कि इसका टी के सापेक्ष कर दो फिर इसका टी के सापेक्ष कर दो फिर भाग दे दे। क्यों ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसा इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इधर देखो एक्स और वाई दोनों है, इधर एक्स और वाई दोनों है, तो डी वाई अपन डी एक्स लेके कैसे आओगे भाई? तो हमें क्या करना है, कोई एक नया तरीका लगाना है। नया तरीका क्या है कि यहाँ देखो स्क्वायर है, यहाँ देखो एक्स की पावर क्यूब है, तो यहाँ कुछ स्क्वायर के रूप में लिखा गया है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका स्क्वायर कर रहा हूँ मैं वर्ग करने पर। ध्यान से समझना भाई, वर्ग करने पर यानी स्क्वायर करने पर क्या होगा ये हमें सीखना है। तो देखो क्या होगा भाई स्क्वायर करने पर, इधर बात करें तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इधर होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा, इधर आपके पास आ जाएगा t - 1/t और इसका स्क्वायर। बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ स्क्वायर करने में गलती करेंगे भाई। क्या गलती करेंगे वो गलती ये करेंगे कि स्क्वायर करने पर वो इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे। ऐसा नहीं होता भाई। वर्ग करने पर, वर्ग का मतलब है कि एक साइड जो पूरी संख्या है उस पूरे का स्क्वायर,
दूसरी साइड है उस पूरे का स्क्वायर होता है भाई, अलग अलग स्क्वायर किसी का नहीं होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया। अब देखो क्या इसके अंदर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकता हूँ? मैं बिल्कुल लगा सकता हूँ। a स्क्वायर x की पावर 6, b स्क्वायर इसका स्क्वायर करोगे तो y की पावर 6, प्लस 2ab यानी 2a, a का मान क्या है x क्यूब, b का मान क्या है y क्यूब। बताओ ऐसा होगा कि नहीं होगा भाई? इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा भाई, भाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी टी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी वन अपॉन टी स्क्वायर माइनस टू ए बी, इसका मतलब टू, ए का मान है t, बी का मान है 1 अपॉन t। एक बार मैं फिर से थोड़ा रिपीट कर रहा हूं, यहां क्यूब है, यहां पावर 6 है यानी स्क्वायर की बात कर रहा है, यहां t है, यहां t स्क्वायर है भाई, यहां t है तो यहां t स्क्वायर है भाई। तो इसका मतलब मैंने क्या किया कि वर्ग करने पर स्क्वायर कर दिया भाई, जैसे ही मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये होल स्क्वायर हो गया, ये होल स्क्वायर हो गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, ये कैंसिल हो गए। अब समझना मेरे को, ये बताओ समीकरण 2 से x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 का मान रखने पर मेरे को बताओ x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर के बराबर है कि नहीं है? तो क्या मैं इन दोनों की जगह, क्या मैं इन दोनों की जगह t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर लिख सकता हूँ भाई? बिल्कुल लिख सकते हैं। इन दोनों की जगह समीकरण 2 से क्या लिख सकता हूँ मैं, t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2 एक्स क्यूब वाई क्यूब इज इक्वल टू, इधर आपके पास क्या है टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, मैंने स्क्वायर किया है। उसके बाद समीकरण 2 से x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 इन दोनों की जगह मैं t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये मैंने लिख दिया है भाई। t स्क्वायर से t स्क्वायर बराबर के दोनों साइड सेम है तो काट सकते हो, या पक्षांतर करके लेके फिर काट सकते हो, बात एक ही है भाई। इससे ये कैंसिल हो गया, यानी हमारे पास आ गया 2x क्यूब y क्यूब माइनस 2। इसको इधर भेज दो भाई, जब इसको इधर भेज दोगे तो क्या आ जाएगा, यहीं लिख देता हूं, एक्स क्यूब वाई क्यूब इज इक्वल टू माइनस 1। यहां तक किसी को कोई समस्या है तो एक बार पूछ सकता है भाई। हमें dy अपॉन dx चाहिए था। अब ध्यान से समझना, यहाँ y क्यूब आपके पास है, देखो y क्यूब है ना भाई, देखो y क्यूब है, माइनस 1 है, इधर माइनस 1 है। ऐसा करो इस x क्यूब को इधर भेज दो तो ये भाग में चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा भाग में। ऐसा मैंने क्यों किया सर, ऐसा क्यों किया आपने भाई? मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि मेरे को dy अपॉन dx निकालना है। क्या निकालना है मेरे को, dy अपॉन dx। देखो इधर x का पार्ट आ गया, इधर y है, अगर मैं यहाँ x के सापेक्ष अवकलन कर दूंगा तो बताओ यहाँ dy अपॉन dx आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर
एक्स के सापेक्ष अवकलन करने, यानी हमें एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो मेरे को बताना भाई, पहले पावर का होगा, तो बताओ जब पावर का करोगे तो 3y स्क्वायर dy अपॉन dx आएगा कि नहीं आएगा भाई? पावर का तो हो गया 3y स्क्वायर, y का y के सापेक्ष करोगे तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस है, माइनस रहने दो, यहां आप गलती करोगे भाई। देखो 1 अपॉन एक्स क्यूब है, काफी विद्यार्थी क्या करेंगे, 1 बटा में 3x स्क्वायर का, ये हो गया 3x स्क्वायर लिख देंगे, गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है भाई। तो क्या करें सर भाई, यहां देखो अपॉन में x क्यूब है, तो पहले इसको ऊपर लेके जाओ, जब ऊपर लेके जाओगे तो x की पावर माइनस 3 हो जाएगी, पावर नीचे प्लस की है, ऊपर लेके जाओगे तो पावर किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, ऊपर लेके गए x की पावर माइनस 3 हो गई भाई। इसका मतलब ये हुआ कि सर अब x की पावर n का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, तो इस पावर को आगे लेके आना भाई, जब इस पावर को आगे लेके आओगे तो माइनस 3, एक पावर कम कर दो, यानी x है तो x, एक पावर कम करोगे तो माइनस 2 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा भाई, माइनस 3 माइनस 1 तो माइनस 4 होंगे, कितने होंगे, माइनस 4। तो बताओ क्या मैं ऐसा लिख दूं, माइनस 3 बटे, ऊपर पावर माइनस की है, नीचे लेके जाओगे तो पावर किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि सर 1 अपॉन एक्स क्यूब का अवकलन करने पर माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4 आएगा। ये बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई भाई? ठीक है, माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4, ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो यहां माइनस है, इसका हमने अवकलन किया, इसका अवकलन आएगा माइनस 3 बटे एक्स की पावर 4, तो माइनस माइनस एक तो प्लस हो गया ये, उसके अलावा 3 बटे एक्स की पावर 4, ठीक है, बताओ ये आएगा कि नहीं आएगा? मेरे को क्या चाहिए, देखो 3 से 3 कैंसिल कर सकता हूँ क्योंकि दोनों साइड सेम है, तो इसलिए मैंने इसको काट दिया। मेरे को चाहिए dy अपॉन dx, क्या चाहिए, dy अपॉन dx। क्वेश्चन हमारा ये था कि x की पावर 4 y स्क्वायर dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन के अंदर दिया गया था कि ये आपको प्रूव करके दिखाना है, यानी आपको सिद्ध करके दिखाना है। तो मेरे पास क्या आ चुका है, मेरे पास आ चुका है y स्क्वायर dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x की पावर 4। जैसे ही आप इसको इधर लेके आओगे तो x की पावर 4 फिर y स्क्वायर dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया भाई, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखो एक बात का और विशेष ध्यान रखना, अगर आपने यहाँ इसका डायरेक्ट अवकलन कर दिया, क्या कर दिया, अवकलन, कैसे, एक को u मान लोगे एक को v मान लोगे, तो आप ये चीज़ सिद्ध नहीं कर पाओगे भाई, कारण बता रहा हूँ क्यों। x की पावर 3 का जब अवकलन करोगे तो 3x स्क्वायर आएगा, यानी पावर कम हो रही है, पावर क्या हो रही है, कम, लेकिन यहाँ पावर बढ़ानी है हमें, x की पावर 4 लेके आनी है, और पावर हमेशा माइनस के अंदर ही बढ़ेगी। अगर पावर x की पावर माइनस 2 है तो x की पावर माइनस 3 होगी, x की पावर माइनस 4 है तो x की पावर माइनस 5 होगी। मतलब इसलिए मैंने इस x क्यूब को पहले भाग में भेजा ताकि ये पावर किसकी हो जाए, माइनस की हो जाए, और जब माइनस की होगी तभी उसका अवकलन करने पर पावर बढ़ेगी, तभी तो x की पावर देखो 4 आई, यहाँ इधर भेज दिया, ये आपका आंसर हो गया। एक बार फटाफट बताओ क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पहले आ चुका है ये क्वेश्चन।
यस सर। क्या इसको रिपीट करना है? देखो रिपीट आप ऐसा करना कि अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं भी आया हो तो एक बार फिर से इस वीडियो को देख लेना, ठीक है। बाकी इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं 7.5, ठीक है भाई। देखो 7.5 में स्टार्ट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है 7.5, विशेष ध्यान देना 7.5 पर, बहुत अच्छे क्वेश्चन है उसके अंदर। एग्जाम में लगभग उसी में से क्वेश्चन आते रहते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट देखो, पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या रहा है, ये कह रहा है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, यानी द्वितीय कोटि यानी द्वितीय क्रम का अवकलन ज्ञात करना है। बिल्कुल सिंपल है, द्वितीय क्रम का मतलब है कि हमें सिर्फ दो बार अवकलन करना है, एक बार अवकलन करेंगे दोबारा अवकलन करेंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे इसका ए पार्ट ले रहा हूं मैं, इसका ए पार्ट है, कुछ नहीं लिख रखा, इसका मतलब मैं सबसे पहले लिखूंगा कि माना वाई इज इक्वल टू, इसमें दे भी रखा है, एक्स क्यूब प्लस में 10x। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब दो बार अवकलन करना है। वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स क्यूब का क्या हो गया, एक्स क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर, फिर प्लस 10x का क्या हो गया, 10x का हो गया sec स्क्वायर x, ठीक है भाई। एक बार अवकलन किया है, यहां फिर से हमें एक्स के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा, एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, मतलब दोबारा से अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर। तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, थ्री कॉन्स्टेंट है छोड़ना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का सबको पता है कि एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकलन 2x होता है भाई, पावर को आगे ले आओ एक पावर कम कर दो, यही तो पढ़ा है भाई हमने, ठीक है। फिर प्लस देखो sec स्क्वायर, यानी पहले पावर का होगा फिर sec का होगा, पावर को आगे ले आओ यानी 2 sec x, एक पावर कम करोगे तो sec 1x, 1 लिखने की आवश्यकता है नहीं भाई, इनटू ये तो हुआ है पावर का, sec का क्या हो जाएगा, sec का हो गया sec x इनटू 10x भाई। फॉर्मूले याद कर लो, जिनके फॉर्मूले याद नहीं है भाई, ठीक है। तो क्या हो गया देखो 6x प्लस में 2 sec स्क्वायर x इंटू 10x, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इन दोनों के अंदर से दो कॉमन लेके बाहर लिखना चाहो लिख सकते हो, आवश्यकता है भी नहीं भाई, ठीक है। चलो इसमें से एक और उठा लेता हूं मैं, इसका ई पार्ट उठा लेता हूं, ई की पावर -x cos x, इसका ई पार्ट देखो बहुत छोटे छोटे हैं भाई, e की पावर -x इंटू कोस एक्स। पहली बात, e की पावर x यानी जो भी है -x है तो -x रहने दो, और cos x इनके बीच में कोई प्लस माइनस नहीं है
तो एक बात तो फिक्स हो गई कि सर ये दोनों मल्टीप्लाई के अंदर हैं, यानी गुणा के अंदर है। जब ये दोनों मल्टीप्लाई के अंदर है, गुणा के अंदर है, तो हमें u इंटू वी का फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। चलो y का अवकलन करोगे तो y का हो गया dy वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर माइनस x को मैंने छोड़ दिया भाई, और cos x का अवकलन करने पर माइनस साइन x आएगा, ठीक है। फिर बीच में प्लस लगाएंगे, अब cos x को छोड़ना पड़ेगा भाई, e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है, पहले e का करोगे तो e का जैसा है वैसा का वैसा, फिर पावर का भी तो करना पड़ेगा भाई। देखो माइनस x है, माइनस x है तो माइनस को छोड़ दिया, और x का x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो 1 आएगा, यानी माइनस 1 आएगा, तो बताओ यहां माइनस लगा दूं भाई। अरे लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हैं भाई। फिर हमें एक बार अवकलन कर दिया, हमें तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिए। अब हम फिर से अवकलन करेंगे भाई, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का दोबारा से अवकलन करने पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आएगा भाई, ठीक है, इज इक्वल टू। यहाँ माइनस है, देखो माइनस मैंने बाहर लिख दिया है भाई, क्यों? क्योंकि एक को u मानना पड़ेगा, एक को v मानना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों किसके अंदर हैं, ये दोनों गुणा में है भाई, तो एक को u और एक को क्या मानना पड़ेगा, v मानना पड़ेगा भाई। देखो भाई e की पावर माइनस एक्स को मैंने छोड़ दिया, साइन एक्स का अवकलन करने पर आपको पता है कोस एक्स आएगा, बीच में प्लस का निशान। अब मेरे को किसको छोड़ना पड़ेगा, साइन एक्स को, और e की पावर माइनस एक्स, देखो पहले e का होगा तो e का जैसा है वैसा का वैसा लिख दो, फिर माइनस एक्स का करोगे तो वो क्या, बीच में माइनस है, चलो बीच में माइनस लगा दिया, फिर मैंने ब्रैकेट लगा दिया, क्यों भाई, क्योंकि एक को u मानना पड़ेगा, एक को v मानना पड़ेगा, ये दोनों भी गुणा के अंदर है भाई, ठीक है, ये दोनों भी गुणा के अंदर है भाई। जब ये दोनों गुणा के अंदर है तो एक को u और एक को v, फिर से देखो e की पावर माइनस एक्स को मैंने छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, cos x का आपको पता है कि माइनस साइन एक्स होगा, फिर प्लस cos x को मैंने छोड़ दिया भाई, एक को छोड़ना पड़ेगा, एक का अवकलन करना पड़ेगा। अब मैंने cos x को छोड़ दिया तो e की पावर माइनस एक्स का अवकलन अभी हम कर चुके हैं, माइनस e की पावर माइनस एक्स आता है भाई, ठीक है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल, इस माइनस का गुणा इससे भी होगा, इससे भी होगा भाई, इसका गुणा इससे होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस e की पावर माइनस एक्स कोस एक्स आ गया भाई, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो प्लस साइन एक्स e की पावर माइनस एक्स, इस माइनस का मल्टीप्लाई इससे होगा तो प्लस e की पावर माइनस एक्स साइन एक्स, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो प्लस कोस एक्स e की पावर माइनस एक्स में, माइनस का गुणा इन दोनों से, इस माइनस का गुणा इन दोनों से हो गया, कोस एक्स e की पावर माइनस एक्स ये तो है प्लस का, और कोस एक्स e की पावर माइनस एक्स ये है माइनस का, तो ये माइनस और ये प्लस का कैंसिल हो गया, यानी हमारे पास क्या आया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स e की पावर माइनस एक्स, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो दो हो गए ना ये, तो क्या लिख देंगे, टू e की पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार फटाफट बता दो कि ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया है। ये क्या है कि क्वेश्चन नंबर 3 का बीबी कराओ भाई। देखो
आज हमारी जो क्लास का टाइम है वो समाप्त हो चुका है भाई, ठीक है। आपकी अब केमिस्ट्री की क्लास होगी, कल जो भी आपकी समस्या है उनका मैं सॉल्यूशन करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी विद्यार्थियों का आज के लिए बहुत